हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ॐ शन्नो मित्र संवरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमः श्री शंकरानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्रह ग्रसैक कर्मणे भारती तीर्थ मुनि भगवद्गीता का श्लोक का अवतरण करते हुए कहते हैं यत सांख्य प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते। ये क्रम है निर्गुण उपासना के द्वारा निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान होगा क्योंकि निर्गुण उपासना कर्म है। कर्म के द्वारा जो दृष्ट उत्पन्न होता है जिसके कारण प्रतिबंधक की निवृत्ति होती है और हमें निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान अवश्य होता है। और इसलिए कहते हैं कि मात्र कल जो हमने देखा मात्र ऐसा नहीं है। अब देखो कारणम सांख्य योग अधिगम्य इति श्रुति ही, अब देखो श्रुति माता भी यही कहती है और जो जो भी शिष्य श्रुति विरुद्ध है, अब देखो श्रुति माता स्वयं ये कह रही है और श्रुति माता से विरुद्ध हमें जाना ही नहीं है। जो श्रुति माता कह रही है उसी का हमें अनुसरण करना है। जितना हम श्रुति माता का अनुसरण करेंगे जितना हम श्रुति माता का उपदेश का श्रवण करेंगे अब, और इसलिए कहते हैं योग अधिगम्य, जो यो अधिगम्य अधिगम्य माने कि जानना जानने से, तो सांख्य और योग जो है वो दो नहीं है। आप देखो दोनों को एक ही समझना है क्योंकि ये क्रम है। पहले विद्यालय में जाए या विश्वविद्यालय में जाए ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता है क्योंकि दोनों की आवश्यकता है। जब तक हम विद्यालय में नहीं पढ़ेंगे तब तक हम विश्वविद्यालय में नहीं जाते, स्कूल में पहले जाना पड़ेगा फिर हम कॉलेज में जाएंगे ना, आप समझो। और इसलिए कहते हैं कि ये जो है तत्कारणम सांख्य योग अधिगम्य इति ही, तो श्रुति माता स्वयं कह रही है कि इस प्रकार से ही हमें तत्व ज्ञान प्राप्त करना है। यस्तु श्रुते है विरुद्ध सह आभास सांख्य योग यो हो, और इसलिए कहते हैं श्रुति विरुद्ध जो कुछ भी है वो आभास मात्र है। हमें तर्क की दृष्टि से बहुत अच्छा लगता है, हमें ऐसा लगेगा है, बहुत अच्छा है। कई बार जो महात्मा की वाणी होती है वो बहुत आकर्षित करने वाली होती है, इसलिए भगवान कहते हैं याम इमाम पुष्पितम वाचम प्रवदंती विपश्चित पुष्पितम वाचम। उन लोगों की वाणी इतनी पुष्पितम माने कि पुष्प से आच्छादित वृक्ष जो होता है वो हमारे मन को आकर्षित करता है, उसी प्रकार से उनकी वाणी इतनी हमें आकर्षित करती है कि हम उनको ही सत्य मानने लगते हैं।
कई बार वो इतने बड़े बड़े शब्द का प्रयोग करते हैं तो उनकी भाषा से हम बहुत उनके द्वारा भाषा के द्वारा ही हम प्रभावित हो जाते हैं। आप समझो, लेकिन देखो भगवत गीता का आप श्लोक देखेंगे, इतने सरल श्लोक है, इतने सरल शब्द है, बिल्कुल सरल शब्दों में समझाया। क्यों? क्योंकि जितना ज्ञान गहन होता है उतनी ही भाषा हमारी सरल होनी चाहिए, तभी तो वो गहनता हम पकड़ सकते हैं। अगर भाषा ही गहन है, भाषा ही गूढ़ करेंगे तो वो गहनता हम पकड़ेंगे कैसे? हमारी बुद्धि भाषा में ही घूमती रहेगी, वो तत्व की ओर जाएगी ही नहीं, तत्व के अर्थ की ओर भी नहीं। तो कह रहे हैं शास्त्र विरुद्ध जो कुछ है, आप समझो, ये स आभास है, ये आभास मात्र है, इतना ही नहीं। उपासनम ना पिपक्वमी है, जब तक हमारी उपासना परिपक्व नहीं होती है तो हमारी उपासना को हमें परिपक्व बनाना पड़ेगा। यस्य पत परत्र सह मरणे ब्रह्मलोके वा तत्त्वं विज्ञाय मुच्यते, अगर वो हमारी निर्गुण ब्रह्म की उपासना जो है यहां पर ही परिपक्व हो गई तो हमें निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा और यहां ही हमें जीवन मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। आप देखो, लेकिन अगर नहीं हुआ, आप समझो ठीक से, तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना का परिपक्व अगर नहीं होती है तो फिर क्या, मरणे ब्रह्म लोके वा तत्व विज्ञाय मुच्यते। यहां ही अगर उनको ज्ञान हो गया तो मृत्यु समय उन्हें विदेह मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। यहां ज्ञान हो गया तो जो प्रारब्ध कर्म है उसके कारण जीवन मुक्ति होगा, और जब प्रारब्ध की समाप्ति हो जाती है तो विदेह मुक्ति की प्राप्ति भी उनको अवश्य हो जाती है। लेकिन अगर वो परिपाक नहीं हुआ है और मृत्यु हो गई तो क्या होता है, ब्रह्मलोके, वो ब्रह्मलोक में उनके निवास होता है, ब्रह्मलोक में उनकी गति होती है और वहां जाके ब्रह्म विद्या का श्रवण करके उन्हें ब्रह्म ज्ञान वहां होता है, वहां मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसलिए कहते हैं कि उपासक जो है, अब अन्य गीता के श्लोक का अवतरण करते हुए कहते हैं कि इस प्रकार से हमें जो करना है वो भावना करते रहना है, मैं निर्गुण ब्रह्म स्वरूप हूं, हम निश्चय नहीं करते हैं तो आप भावना करते रहो, उपासना करते रहो। क्यों? तो बोले कि जो भावना करेंगे मृत्यु समय आपकी जो भावना होगी उसी प्रकार से आपकी गति होगी। यम यम भावम स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कलेवर माने शरीर, जो जो भाव से आप अपने शरीर का त्याग करते हैं अंते अंत मृत्यु समय, तम तमेवेति यच्चित्त तेन याति इति शास्त्रतः, गीता शास्त्रतः, गीता में कहा गया जिस प्रकार का आपका भाव होगा उसी प्रकार का आपका चित्त बनेगा और उसी चित्त से आप गति करेंगे। आप समझो, देवान भावयता ने देव, अब देखो जो देवताओं की भावना करेंगे उनको देवताओं की प्राप्त है, देव, अब देखो तो देवान याति देव याजिह, जो जन्म मृत्यु पर्यंत तक देवताओं की उपासना करते रहते हैं उनको देव योनि की सेवा करते हैं, उनको पितृ योनि प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान अंत में क्या कहते हैं, मद्याजी माम, देखो मद्याजी, जो मेरे उपासना करते हैं, जो मेरा चिंतन करते हैं उनको मेरी प्राप्ति होती है। आप समझ, और इसीलिए हमें करना क्या है, तेन याति शास्त्रतः, अगर निर्गुण ब्रह्म की हम उपासना करते रहते हैं और मृत्यु समय हमारा आ गया और मृत्यु हो भी गई तो हमें ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, जो इस प्रकार से कल्याण माने की जो मोक्ष मार्ग पर चल रहा है उनकी दुर्गति अधो योनि में कभी भी गति नहीं होती, अधोलोक में उनकी गति नहीं होती, अधो योनि माने कि पशु पक्षी आदि जो है, वृक्ष आदि जो योनि है उनमें उनकी गति नहीं होती। अब समझे, अत्य अंत्य प्रत्यय नूनम भावी जन्म तथा सती, तो अंत्य प्रत्यय, अंत में जो आपके मन में जो भावना रहेगी, अंत में जो माने कि मृत्यु समय आपकी जो भावना बनेगी,
जन्म तथा सति, उनके अनुरूप ही हमें जन्म की प्राप्ति होती है। निर्गुण प्रत्ययोपि स्यात् निर्गुण उपासने यथा, जिस प्रकार से निर्सगुण ब्रह्म परमात्मा की उपासना करते हैं तो हमें वो तत्त्व लोक की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं तो हमें निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति अवश्य होती है। आप समझो, देखो इसलिए कहते हो आपका आंतरिक जगत बदल दो। हम मन में इतना भर के बैठे हैं, देखो ये आगे ये प्रकरण का आरंभ किया उस समय मैंने आपको कहा था ध्यान की पहली शर्त भगवान क्या करते हैं, पांचवें अध्याय में जो संक्षेप में भगवान ने ध्यान के लिए तीन श्लोक दिए हैं उनमें प्रथम क्या है, आप देखो पहली शर्त क्या है। अब स्पर्शान कृत्वा बही ही बाह्यान, अब देखो जो बाहर है उसको छोड़ दो, आप मन में मत रखो। हम इतना मन में भर के बैठे हुए हैं, हमारे भूतकाल का, हमारे वर्तमान काल का, अनेक व्यक्ति के प्रति हमारे मन में विरोध है और वो विरोध हम भर के बैठे हैं, अनेक व्यक्तियों के प्रति हमारे मन में आसक्ति है उनको भी हम मन में लेके बैठे हैं। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो बाहर है उसे बाहर रखो, मन में मत भरो। अगर मन में भरना है तो मुझे भर दो, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते रहो, वो भावना करते रहो, एक अद्वितीय परमात्मा तत्व का चिंतन करो। ये पुनर्जन्म न विद्यते, आप देखो स्पष्ट रूप से कहते हैं जिसको मेरी प्राप्ति, जो मेरा चिंतन करता है उसे मेरी प्राप्ति होती है और जिसको मेरी प्राप्ति होती है उनका पुनर्जन्म नहीं होता, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप देखो, और इसलिए कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म का प्रत्यय आपके मन में होगा तो आपको ब्रह्मलोक की प्राप्ति अवश्य होगी। नित्य निर्गुण रूपम तन्माम नामात्रेण गीयताम अर्थतः मोक्ष एव एषः, आप देखो। और इसलिए कहते हैं कि नित्य निर्गुण रूपम तन्नाम मात्रेण, ब्रह्म तो नित्य निर्गुण स्वरूप है, आप नित्य निर्गुण असंग अकर्ता आत्मा है, आप समझो वो तो नित्य स्वरूप है ही आपका। तन्नाम मात्रेण गीयताम, आप उनका गीयताम, आप उनकी उपासना करते रहो। मैं निर्गुण ब्रह्म हूं, मैं असंग हूं, आप चिंतन करते रहो तो क्या होगा, नाम मात्र भी आप चिंतन करते रहेंगे। देखो मैं पुनः पुनः ये कहते रहते हूं, ये सब शास्त्र श्रवण के बाद की बात है, ऐसा मत मानना कि सीधे किसी ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना आरंभ कर दी। नहीं, शास्त्र श्रवण किया है, शास्त्र मनन किया है, चिंतन किया है, फिर भी कोई प्रतिबंधक है जिसके कारण हमारी अपरोक्ष ज्ञान में निष्ठा नहीं होती है तो ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना है। और इसलिए कहते हैं नाम मात्र न मान की आप वो शब्द को देखते रहो असंगोहम, फिर क्या होगा, अर्थतः मोक्ष एव एषः। नाम से ब्रह्म शब्द है, नाम से असंग शब्द है, लेकिन अर्थतः तो मोक्ष मात्र ही है। आप देखो संवादी ब्रह्मवत्मत है, जिस प्रकार से उनने प्रकाश देखा है वो प्रकाश को मणि का प्रकाश मान लिया है और वो सही में मणि का प्रकाश था तो उसको मणि की प्राप्ति होगी, उसी प्रकार से भले आप नाम मात्र कहेंगे लेकिन अर्थतः तो वो मोक्ष ही है, अपनी पूर्णता में निष्ठा होना वही तो मोक्ष है। अब सब नामतः वो निर्गुण ब्रह्म है लेकिन अर्थतः देखेंगे तो वो मोक्ष मात्र है, निर्गुण ब्रह्म में आपकी स्थिति होना वही तो मोक्ष है। आप समझ, तत्सामर्थ्य जायते दीहि मूला विद्या निवर्तिका, तत्सामर्थ्य निर्गुण ब्रह्म की उपासना का यह सामर्थ्य है कि उसके कारण दीहि जायते बुद्धि उत्पन्न होती है। किस प्रकार की बुद्धि उत्पन्न होती है, बोले कि मूला विद्या निवर्तिका दीहि, जो मूल अविद्या जो अज्ञान है वो अज्ञान को निवृत्त, अज्ञान की निवृत्ति करने वाली बुद्धि की उत्पत्ति, वो बुद्धि की उत्पत्ति होती है, ज्ञान होता है। आप समझो अविमुक्त उपासने न तारक ब्रह्म बुद्धिवत, तो संसार का जो कारण जो अविद्या है उनकी निवृत्ति हो जाती है,
जिस प्रकार से अभिमुक्त उपासने न सगुण ब्रह्म की जब उपासना करते हैं तो तारक ब्रह्म की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से यहां पर भी है कि हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना से आप में मन में वो निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान उत्पन्न होगा जो संसार का कारण जो अविद्या मूल अविद्या है उनकी निवृत्ति कर देता है। सो काम निष्काम इति ही अशरीर निरिंद्रिय, तो बोले निर्गुण ब्रह्म की उपासना का फल जो मोक्ष है वो कैसे है? सह अकाम निष्काम इति ही अशरीर निरिंद्रिय अभय ही मुक्तत्वं तापनीय फलम श्रुतम। उत्तर तापनीय उपनिषद में इस प्रकार से उनका फल दर्शाया है। आप देखो सह अकाम निष्काम, उनमें मन में कोई काम है ही नहीं। आप देखो काम रहित है, आप समझो ये ठीक से, उतना ही नहीं निष्काम है, कोई विशेष प्रकार की इच्छा भी उनके मन में नहीं रही है। आप्त काम है आत्म काम है न तस्य प्राणा उत्क्रामंती तत्रैव समर्वीलियन्ते। देखो श्लोक में जो है ना सह अकाम निष्काम इति, इति माने आरंभ करके, ये दो शब्द से आरंभ करके जो मंत्र है और उनके अंत में शब्द क्या है ही अशरीर निरिंद्रिय। अप्राण ह्य मन सच्चिदानंद मात्र सस्वराट भवती, उनके किसी और की इच्छा है ही नहीं। आत्म काम है, आत्म काम है, आप्त काम है, आप्त काम माने कि सब इच्छा की पूर्ति हो गई है उनकी, अन्य कोई इच्छा उनकी बाकी नहीं है। देखो इसीलिए कहते हैं ना अब कि इच्छा समाप्त हो गई और मृत्यु नहीं आया है तो वो मोक्ष है। अब लेकिन इच्छा रह गई और मृत्यु आ गई तो वो बंधन है। अब देखो मृत्यु तो आ गई लेकिन इच्छा रह गई तो हमें वो पुनर्जन्म की ओर ले जाएगी। और इसलिए कहते हैं आप्त काम है आत्म काम है न तस्य प्राण है। श्रुति माता स्वयं कहती है अभयम ही अति मुक्तत्वम, उनकी मुक्ति है। आप समझो उनको कोई भय नहीं है। अभयम ही इति मुक्तत्वम, वो मुक्तत्व मुक्तिपना जो है मोक्षपना जो है वही तो उनकी अभयता है। बंधन में ही भय है, आप समझो मोक्ष में कोई भय नहीं अभयता है। क्यों? तस्य प्राणाः न उत्क्रामन्ती इहैव तत्रैव समविलियन्ते, उनके प्राण का उत्क्रमण होता ही नहीं, गति नहीं होती है। स्थूल शरीर जिस प्रकार से यहाँ पंच महाभूत में विलीन हो जाता है उसी प्रकार से उनके पंच प्राण अंतकरण चतुष्टय पांच इंद्रिय कर्मेंद्रिय पांच ज्ञानेंद्रिय अब ये सब यहाँ ही विलीन पंच महाभूत में शांत हो जाते हैं और उनके प्राण की गति नहीं होती, माने कि उनके पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं है। और उसी को तो हम मोक्ष कहते हैं। पुनः पुनः जन्म मरण के चक्र में पड़ना वही बंधन है और जन्म मरण के चक्र से हम छूट गए वही तो मोक्ष है। और इसलिए कहते हैं कि उनके प्राण की गति नहीं होती। ब्रह्म एव सन ब्रह्म आप अप्येति, ब्रह्म होते हुए भी आप देखो वो ब्रह्म को ही प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म को ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है, आप समझो। अब्रह्म को ब्रह्म की प्राप्ति नहीं है। और इसलिए कहते हैं ब्रह्मैव सन्न, ब्रह्म ही हो, ब्रह्म होते हुए ही, ब्रह्मैव सन्न माने ब्रह्म होते हुए ही ब्रह्म अप्येति, वो ब्रह्म है। इति अशरीर, और वो ब्रह्म क्या है? अशरीर निरिंद्रिय, ब्रह्म में न कोई शरीर है न इंद्रिय है न मन है न प्राण है। ही अमना है अप्राण है, अब और स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद मात्र है, ये आपका स्वरूप है।
और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से उत्तर तापनी उपनिषद जो है वहां इस प्रकार से दर्शाया है, सॉरी नृसिंह तापनी, तो नृसिंह तापनी उपनिषद में इस प्रकार से मंत्र दर्शाया है और इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से उपासना का फल भी हम देखते हैं। उपासनस्य सामर्थ्यात् विद्योत्पत्ति ही भवेत् ततः नान्य पंथा इति शास्त्रम नैव विरुध्यते। तो बोले आप गड़बड़ कर दिया आपने, आप कहते हो ना कि शास्त्र विरुद्ध कुछ नहीं होना चाहिए, ये तो शास्त्र विरुद्ध हो गया। तो बोले क्या शास्त्र विरुद्ध हो गया, नान्य पंथा विद्यते यनाय। पुरुष सूक्त में अन्य स्थान पर भी ये कहा गया है कि ये अन्य कोई है ही नहीं, आप देखो अन्य कोई मार्ग नहीं, अन्य पंथा माने कि कोई मार्ग है ही नहीं। श्वेताश्वतर उपनिषद में पुरुष सूक्त में इस प्रकार से वाक्य देखने को मिलता है कि ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती, अन्य कोई उपाय नहीं। और आप तो यहाँ क्या कह रहे हो कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना के सामर्थ्य से ही विद्या उत्पन्न होती है। अब देखो हम ये नहीं कह रहे विद्या उत्पन्न होती, आप समझो, देखो ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। हम जो वाक्य बोलते हैं ना वो वाक्य में ही गड़बड़ हो जाती है। ज्ञान की उत्पत्ति है ही नहीं, ज्ञान है, आप समझो। ये सबसे बड़ी भूल जो लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े महात्मा भी यहां ही भूल कर, ज्ञान की उत्पत्ति नहीं है, आप समझो, ज्ञान है। ईश्वर जो है वो निमित्त कारण के रूप में सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है। अब देखो सीधा तर्क समझ लो, ईश्वर निमित्त कारण है, माने कि निमित्त कारण माने कि मेकर, बनाने वाले, सृष्टिकर्ता जो है परमात्मा है। तो सृष्टिकर्ता परमात्मा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, माने ज्ञान और शक्ति दोनों है, और वही परमात्मा जो है इस सृष्टि के उपादान कारण भी वही परमात्मा है, मटेरियल भी वही है, द्रव्य वही है जिससे ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई। अब देखो ये तो वाई मानी भूतानी जायन्ते, जिससे ये संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति होती है, ये न जातानी जीवंत, जिसके कारण ये सर्व जीव जो है जीवंत है, ये सब किस स्थिति किसके कारण है, जिससे ये सर्व भूतों की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण सर्व भूतों की स्थिति होती है। और प्रलय काल में क्या होता है, यम अभिषम विशंति यद प्रयत्यम अभिषम, और सब उसी में विलीन हो जाता है, तद ब्रह्म, वो ब्रह्म है, माने ब्रह्म जो ईश्वर है वही उपादान कारण है। और सीधा तर्क है कि कोई भी कार्य जो है अपने उपादान कारण से भिन्न नहीं रह सकता, मिट्टी घड़े के उपादान कारण है तो मिट्टी के बिना कोई घड़ा है ही नहीं, तो ये जगत का उपादान कारण ईश्वर है, तो जगत का उपादान कारण ईश्वर है, तो ये जगत क्या है, ईश्वर से भिन्न है, नहीं है। घड़ा जो है मिट्टी मात्र है, घट जो है मिट्टी मात्र है, उसी प्रकार से ये जगत ईश्वर मात्र है, आप समझो। तो अगर ये ईश्वर मात्र है और ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्ति है, तो ज्ञान और शक्ति भी कहां है, सर्वव्यापी है। अब देखो ज्ञान उत्पन्न ईश्वर भी ज्ञान के कारण ही है, आप समझो, ईश्वर ज्ञान के कर्ता नहीं, ईश्वर ज्ञान की उत्पत्ति नहीं करते हैं। अब देखो क्योंकि ज्ञान तो सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, लकड़ी में भी वही सर्वज्ञ सर्वशक्ति है, आप समझो, क्योंकि सर्वत्र ईश्वर सर्वव्यापी है। अगर ईश्वर सर्वव्यापी है तो ज्ञान और शक्ति भी सर्वव्यापी है। अब समझो तो विद्या की उत्पत्ति हमें नहीं करनी है, विद्या तो है, मूला विद्या निवर्तिका, अब देखो मूल अविद्या जो है अज्ञान है उनकी हमें निवृत्ति करनी है। इसलिए गीता में भगवान क्या कहते हैं, अज्ञाने न आवृतम ज्ञानम, ये ज्ञान तो है ही लेकिन वो अज्ञान से आवृत हो गया है।
ज्ञान उत्पन्न नहीं करना, ज्ञान तो है वो अज्ञान से अवृत्त हो गया है, आच्छादित हो गया है, अब वो अज्ञान की निवृत्ति करनी। और इसलिए कहते कि वो जो बुद्धि उत्पन्न होती है, अखंडाकार वृत्ति जो उत्पन्न होती है, जो अज्ञान की निवृत्ति करते हैं, ज्ञान उत्पन्न नहीं होते, ज्ञान वृत्ति उत्पन्न होती है, जो ज्ञान वृत्ति अज्ञान वृत्ति की निवृत्ति करती है। आप सब गड़बड़ नहीं करनी है, ज्ञान उत्पन्न हो गया, ज्ञान तो है ही। जिस प्रकार के सूर्य है, या तो वो पृथ्वी से आच्छादित हो गया या मेघ से आच्छादित हो गया, सूर्य के प्रकाश से ही तो हम सब देख रहे हैं। जिस मेघ को हम देख रहे हैं वो सूर्य के कारण ही उत्पन्न हुआ है, सूर्य के कारण ही वो वहां टिका हुआ है, और सूर्य के कारण ही वो मेघ हम देख सकते हैं। वो बादल जो हम देख रहे हैं किसके कारण देख रहे हैं? सूर्य के कारण। स्वयं प्रकाशते ही आत्मा, आत्मा तो स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य है। और इसलिए कहते हैं कि आप ऐसा मत कहो, उपासनस्य सामर्थ्याद् विद्या उत्पत्ति ही भवेत। हम ये नहीं कह रहे कि विद्या की उत्पत्ति हुई है, अज्ञान की निवृत्ति होती है, आप समझो। और एक बार अज्ञान की निवृत्ति हो गई तो अज्ञान की निवृत्ति के लिए अन्य कोई मार्ग नहीं है। आप देखो, विद्या की उत्पत्ति के लिए कोई मार्ग नहीं, ऐसा नहीं है। अज्ञान की निवृत्ति के लिए अन्य कोई मार्ग है ही नहीं, क्योंकि अज्ञान है तो फिर ज्ञान की आवश्यकता है, ज्ञान वृत्ति की आवश्यकता है, और ज्ञान निवृत्ति हो जाएगी। और इसलिए कि ये शास्त्र विरुद्ध है ऐसा मत सोचो आप। क्यों? निष्काम उपासनाद मुक्ति ही तापनीय समय रीता ब्रह्म लोक सकामस्य शैव्य प्रश्न समीरित नृसिंह उत्तर तापने उपनिषद में इस प्रकार के कहा गया कि निर्गुण ब्रह्म की जो उपासना जो है वो भी दो प्रकार से होती है। जो सकाम भाव से करता है उसे ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है, निष्काम भाव से जो कर रहा है उन्हें यहां इस जन्म में ही मुक्ति की प्राप्ति अवश्य होती है। और ब्रह्म उतना ही शैव्य प्रश्न, अब देखो प्रश्न उपनिषद में भी यही प्रश्न उठा था, और प्रश्न उपनिषद में भी पिपलाद मुनि जो है, पिपलाद मुनि ने यही कहा कि सकाम भाव से आप उपासना करेंगे तो ब्रह्म लोक की प्राप्ति होगी, निष्काम भाव से आप करेंगे तो यहां ही आपको मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। यह उपास्य त्रिमात्रेण ब्रह्म लोके सनीयते। तो बोले प्रश्न उपनिषद में क्या कहा गया है? ओमिति त्रिमात्र माने की ये त्रिमात्र अ उ और म, त्रिमात्र वाला जो ओमकार है वो ओमकार की जो उपासना करते हैं तो ओमकार की उपासना के द्वारा ही उन्हें ब्रह्म ज्ञान जो है। आप देखो यह पुनः ये तम त्रिमात्रेण ओम इति अनेन अक्षरेण परम पुरुषम विध्यायित। प्रश्न उपनिषद में कहते हैं कि इस प्रकार से त्रिमात्र वाला अ उ और म, त्रिमात्र वाला जो प्रणव है वो प्रणव के द्वारा ही हमें वो अक्षर ब्रह्म की उपासना, पर पुरुष परम पुरुष की उपासना करनी है। और परम पुरुष की जो उपासना करता है, जो ध्यान करता है, सपाप मना विनिर्मुक्त सम साम भी उन्नीयते ब्रह्म लोकम स एतस्मात् जीव घनात् परम पुरुषम इक्षते। तो उनको भी परम पुरुष का दर्शन होता है, निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान होता है। और इसलिए कहते हैं ये तस्मात् जीव घनात् परम पुरुषम इक्षते। और उनको ये जीव घनात् माने कि ये जीव का जो स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप, जो सच्चिदानंद घन स्वरूप जो परमात्मा है, उनके साक्षात पुरुषम इक्षते माने कि वो अक्षर पुरुष का दर्शन होता है, अक्षर पुरुष का ज्ञान उनको अवश्य होता है। और इसीलिए कहते हैं अप्रतीक अधिकरणे तत्क्रतु न्याय ईरित। बोले कि इस प्रकार से वेदांत दर्शन ब्रह्म सूत्र में भी व्यास जी ने कहा है अप्रतीक अधिकरण जो है उनका। ब्रह्म सूत्र के चार अध्याय है, उनके एक एक पाद भी है, और पाद में विषय के अनुरूप अधिकरण बनाया गया है। अब देखो अधिकरण माने एक विशेष विषय को पकड़ के उनके पर जो सूत्र लिखते हैं। प्रतीक अधिकरण जो है वो प्रतीक अधिकरण
लख तत्कृत न्याय ईरित ब्रह्म को ब्रह्म लोक फलम तस्मात सकाम से वर्णितम। तो कहते हैं कि इस प्रकार से ब्रह्म जो ब्रह्म सूत्र है वो ब्रह्म सूत्र में भी दिखा है उभयता च दोष तत्क्रतुश्च। अब देखो अगर हमारे मन में इच्छा रह गई है सकाम भावना है तो हमें ब्रह्मलोक की प्राप्ति अवश्य होती है। इस प्रकार से तत्क्रतु न्याय ईरित तस्मात कामस्य इति वर्णितम सकामस्य। तो उनको ब्रह्म उपासक को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है माने कि ये सकाम की उपासना है ये दर्शाते हैं। उसी प्रकार से निर्गुण उपास्य सामर्थ्य तत्र तत्त्वमेव इक्षते पुनरावर्तते नायम। और निर्गुण ब्रह्म की उपासना से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति अवश्य होती है और न पुनरावर्तते उनका पुनरावर्तन नहीं होता है माने कि उनका पुनः जन्म धारण नहीं करना पड़ता है। नायम कल्पांते च विमुच्यते। और जो ब्रह्मलोक में जाता है वो ब्रह्मलोक में जो गया है ब्रह्मलोक में भी वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं ब्रह्मा जी के पास उपदेश श्रवण करते हैं और वहां पर ये ब्रह्म ज्ञान उनको होता है और फिर उनका पुनः पुनरावर्तन नहीं होता है। फिर क्या होता है कल्पांते च विमुच्यते। ब्रह्मलोक का अंत जब आता है कल्प का अंत के समय ब्रह्मलोक का भी नाश हो जाता है तब उनका मोक्ष अवश्य होता है माने कि ब्रह्मलोक में कल्पांत तक वो ब्रह्मलोक में रहेंगे और फिर उनकी मुक्ति अवश्य होती है। प्रणवा उपास्तयः प्रायः निर्गुण एव वेदगाः क्वचित गुणतापि उक्ता प्रण उपासनस्य ही। प्राय मुख्यतः प्रणव की उपासना जो है वो प्रणव की उपासना निर्गुण ब्रह्म की उपासना ही है आप समझो। क्वचित कहीं कहीं पर वो सगुण ब्रह्म की उपासना के रूप में भी हमें देखा गया है लेकिन मुख्यतः तो वो जो प्रणव की उपासना जो है वो निर्गुण ब्रह्म संबंधी ही होती है आप समझो। परापर ब्रह्म रूप ओंकार उपवर्णित पिपलादेन। तो ये ओंकार का जब प्रश्न पूछा गया तो पिपलाद मुनि कहते हैं तो पिपलाद मुनि भी कहते हैं कि प्रणव की जो उपासना जो है वो सकाम भी होती है निष्काम भी होती है और इसलिए कहते हैं ये तद्वै सत्य काम परम च ब्रह्म यद ओंकार तस्माद् विद्वान एतेन एव आयातनेन एकतरम अन्वेति। परम ब्रह्म अपरम ब्रह्म परम ब्रह्म है अपरम ब्रह्म माने सगुण ब्रह्म है आप देख। और इसलिए कहते हैं कि हे सत्य काम ब्रह्म पर और पर सगुण और निर्गुण दोनों है। यद ओंकार तस्माद् विद्वान जो विद्वान जो शास्त्र श्रवण जिसने किया है जो विद्वान है वो ये प्रणव की उपासना जब करते हैं तो वो सकाम भाव से जब प्रणव की उपासना करते हैं तो उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। निर्गुण ब्रह्म माने निष्काम भाव से जब वो प्रणव की उपासना करते हैं तो अन्य एकतरम एकतरम माने दोनों में से एक की ही उपासना या तो सकाम भाव से आप उपासना करो या निष्काम भाव से आप देखो। इति सत्य कामाय पृच्छते पिप्पलादेन मुनिना। सत्य काम द्वारा ये प्रश्न पूछा गया था और प्रश्न के उत्तर में पिपलाद मुनि ने कहा कि ये ब्रह्म जो है वो दो प्रकार से सकाम सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म दो है। आप जिस प्रकार से जिस भावना से आप उनकी उपासना प्रणव के रूप में ब्रह्म की जब उपासना करते हैं तो जो भाव से आप करेंगे उस प्रकार से आपको प्राप्ति होती है। और उतना ही नहीं कठोपनिषद में भी कहा नचिकेता ने जब प्रश्न किया वो तत्व क्या है आप देखो ये शरीर जब छूट जाता है तो कुछ है कि नहीं जो धर्म से भी अन्यत्र धर्मात अन्यत्र अधर्मात अन्यत्र कृताकृतश्च वो तत्व क्या है जो धर्म और अधर्म से भी पर है जो कृत अकृत अब देखो जो कर्म से भी पर है जो तीन कालों से भी पर है। तो यमराजा कहते हैं यदि इच्छन्त ब्रह्मचर्यम चरन्ति तद ओम इति वो ओमकार है प्रणव है। वो प्रणव क्या है एतदालंबनम श्रेष्ठम एतदालंबनम परम
ये तदालंबनम ज्ञात्वा यो यदिच्छसि तस्य तत। आप जिस प्रकार से इच्छा करेंगे वो आपको प्राप्त होगा। और इसलिए कहते हैं ये तदालंबनम ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत। 49वें श्लोक में कहते हैं इति प्रोक्तम यमेनापि पृच्छते नचिकेतसे। जब नचिकेता ने प्रश्न पूछा तो प्रश्न के उत्तर में यमराजा भी यही कहते हैं कि ये पर ब्रह्म अपर ब्रह्म सकाम और निष्काम भाव से हम ये प्रणव की उपासना कर सकते हैं, और जो प्रणव की उपासना है ये श्रेष्ठ आलंबन है। निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान के लिए ये प्रणव की जो उपासना जो है, ये उपासना के लिए जो प्रणव है वो श्रेष्ठ आलंबन है। और इसलिए कहते हैं इह वा मरणे वास्ते ब्रह्म लोके अथवा भवेत। और इसके कारण ही यहां और इस लोक में या परलोक में अपने मरने वा इस लोक में अगर मृत्यु समय आपको आपकी ब्रह्म ज्ञान में निष्ठा हो जाएगी तो आपको यहाँ ही आपको मोक्ष की विदेह मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। अथवा ब्रह्म लोके भवे साक्षात ब्रह्म साक्षात कृति ही सम्यक उपासनस्य निर्गुणम। जो निर्गुण ब्रह्म की सम्यक रूप से उपासना दीर्घ काल पर्यंत उपासना जो करता है उनको या तो मृत्यु समय यहाँ ही विदेह मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, या तो फिर उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है जहां उन्हें ब्रह्म साक्षात्कार होता है। माने कि या तो यहाँ ब्रह्म साक्षात्कार होगा या ब्रह्मलोक में ब्रह्म साक्षात्कार होगा, लेकिन निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले को ब्रह्म साक्षात्कार अवश्य होता है। अर्थ अयम आत्मा गीतायाम अपि स्फुटम उदीरित विचार क्षम आत्मान उपासित इति संततम। तो बोले ये जो अर्थ जो मैं कह रहा हूं अयम अर्थ, ये जो अर्थ मैं आपको कह रहा हूं कुछ नया नहीं, आत्मगीता में भी उसी प्रकार से उनको स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो विचार अक्षम, जो तत्व विचार के लिए समर्थ नहीं है, जिस तत्व विचार में जिसमें क्षमता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, उनके लिए निर्गुण ब्रह्म की उपासना आत्मानम उपासित इति उदीरितम, उस प्रकार से सतत उसको आत्मा की उपासना करनी चाहिए। क्यों साक्षात कर तुम अशक्तोपि चिंतयन माम शंकित। तो ये तीन श्लोक जो है आत्मगीता के तीन मंत्र जो श्लोक है यहाँ वो सीधे सीधे श्लोक का ही निरूपण यहाँ करते हुए कहते हैं कि जो आत्म साक्षात करने करने के लिए समर्थ ने शक्त शक्त नहीं माने समर्थ नहीं है, चिंतयेन माम अशंकित, उसे ही परमात्मा का चिंतन करते रहना चाहिए। कालेन अनुभवारूढ भवेयम फलित ध्रुवम। ध्रुवम माने अवश्य उनको ये ब्रह्म ज्ञान होगा, लेकिन कालेन हमने देखा ये तृतीय विभक्ति क्या दर्शाते हैं, काल की निश्चितता नहीं है, फलित अवश्य होगा, फलित ध्रुवम फलित अवश्य होगी उनकी जो उपासना जो है वो उपासना फलित अवश्य होती है, लेकिन काल की कोई निश्चितता नहीं है। और इसलिए कहते हैं कालेन अनुभव आरूढ, वो काल में अनुभव में आरूढ़ हो जाएगा, माने कि मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं, इस प्रकार की अनुभूति उनको अवश्य होती है। यथा अगाध निदेह लब्धव न उपाय खननम विना, जिस प्रकार से भूमि में अंदर बहुत अंदर नीचे गहन रूप से वो सुवर्ण अगर है तो उनको निकालने के लिए खनन के सिवा अन्य कोई कहते हैं मल्लाभेपी तथा चिंता मुक्त्वा न च अपरः। मेरी प्राप्ति के लिए परमात्मा की परमात्मा के लाभ के लिए प्राप्ति के लिए स्वात्म चिंता आत्म चिंतन से अन्य कोई उपाय नहीं है, आप समझो। क्यों देह उपलम उपाकृत्य बुद्धि कुद्दालकात् पुनः खात्वा मनोभुवं भूयः गृहीयान् माम निधिं पुमान। देखो बहुत सुंदर ये उसको क्या कहते हैं, ये बहुत सुंदर इलस्ट्रेशन जिसको कहते हैं, दृष्टांत नहीं रूपक कहते हैं शास्त्र में, तो बहुत सुंदर रूपक देते हैं। बोले कि आपने खनन का जो दृष्टांत दिया है वो खनन का दृष्टांत क्यों दिया है, तो खनन के दृष्टांत को हमें समझाते हैं क्या करना है। आप देखो तो कहते हैं अगाध निदेह लब्धौ
ये पूर्ण आनंद स्वरूप जो प्राप्ति है आप उनकी प्राप्ति के लिए आप क्या करना है, खननम बिना नहीं, तो क्या करना है, देह उपलम अपाकृत्य। देखो ये जो देह हमारा जो है ना, उपलम माने पत्थर, ये देहात्म बुद्धि रूपी पत्थर है, उनकी हमें निवृत्ति करनी, उपाकृत्य माने उसको निवृत्त करना है, निकालना है। और उतना ही नहीं, बुद्धि कुद्दाला का किसे करेंगे, ये देह रूपी पत्थर की निवृत्ति कैसे करेंगे, उसको कैसे हटाएंगे, बुद्धि कुद्दाला, ये बुद्धि जो है हमारी कुदाल है, कुदाली माने की कुहाड़ी गुजराती में कहते हैं, हम एक्स कहते हैं अंग्रेजी, तो बोलते हैं कि ये बुद्धि रूपी जो कुदाल है उसके द्वारा ये देह रूपी पत्थर उसको दूर करना है हमें। वो कुदाली से जब दूर हो जाता है पुनः खनात्वा, और खनन कहाँ करना है, मनोभुवम, मनोभूमि कहते हैं उसको, तो मनोभूमि का हम खनन करते हैं, वो खनन से हमें जो देहात्म बुद्धि मिलती है वो देहात्म बुद्धि रूपी पत्थर की हम बुद्धि रूपी कुदाली से उनकी निवृत्ति हम करते हैं। और जब इस प्रकार से हम निकलते हैं तो गृहणियान माम निधिम पुमान, परमात्मा रूपी मैं परमात्मा जो हूं, मुझ परमात्मा रूपी भंडार की आपको अवश्य प्राप्ति होगी। तो करना आपके मन में करना है, बाहर कुछ नहीं है। स्वामी जी इसलिए कहते थे जो अन्य को बदल के सुखी होने का प्रयत्न करते हैं, अन्य माने व्यक्ति मात्र नहीं, देश काल वस्तु बहुत कुछ, वो संसारी है। जो अपने को बदल के ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहता है वो साधक है। आप देखो हमको बदलना है, दूसरे को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं। और इसलिए कहते हैं कि हमारे अंतकरण रूपी जो भूमि, मन रूपी जो भूमि है, उनको बुद्धि रूपी कुदाली से उसको खनन करना है। और खनन जब हम करते हैं तो देहात्म बुद्धि रूपी जो पत्थर निकलता है उसको हमें निवृत्त करना है, उसको निकाल के फेंकना है। और जब उसको निकाल के हम फेंक देते हैं तो हमें परमात्मा रूपी निधि की प्राप्ति अवश्य होती है। और इसलिए कहते हैं अनुभूते है अभावे भी ब्रह्मास्मिति चिंत्यताम, और इसीलिए आपको अनुभव नहीं हो रहा है, आप पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है या आप आनंद स्वरूप है या आप असंग स्वरूप, ऐसी आपको अनुभूति नहीं हो रही है तो आप ब्रह्म का चिंतन करते रहो, मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं असंग ब्रह्म हूँ। अब देखो अपि असत प्राप्यते ध्यानात् नित्याप्तम ब्रह्म किम न पुनः। अब देखो अपि असत माने कि आप जो नहीं है उनका चिंतन करते करते आपको उनकी प्राप्ति होती है, आगे कह के गए ना, जो मनुष्य है और वो देवता की उपासना करते हैं, देवता की पूजन, देवता का पूजन करते हैं तो उनको देव योनि की प्राप्ति होती है, तो वो मनुष्य बन के देव की पूजा करते हैं और देव योनि उनको प्राप्त होती है, तो आप तो नित्य प्राप्त ब्रह्म स्वरूप ही है, तो आप जब ब्रह्म का चिंतन करेंगे तो आपको ब्रह्म की प्राप्ति क्यों नहीं होगी, किम पुनः, क्यों नहीं होगी, अवश्य आपको प्राप्त होगा। आत्मबुद्धि शैथिल्यम फलम ध्यान दिने दिने, तो बोले कैसे होगा, ये हृदय ग्रंथि है, मैं संसारी हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, आपने आपके बारे में जो निश्चय बना के रखा है ना शास्त्रों, उसको ग्रंथि कहते हैं, घाट कहते हैं। अब वो ग्रंथि की निवृत्ति कर दी है, तो किसी भी ग्रंथि की जब हमें निवृत्ति करनी होती है तो ग्रंथि को पहले ढीली करनी पड़ती है। अब देखो शैथिल्य, और इसलिए कहते हैं अनात्म बुद्धि शैथिल्यम, ये अनात्म बुद्धि रूपी जो गांठ हमारे मन में, ग्रंथि जो हमारे मन में बनी हुई है, वो ग्रंथि को पहले हम शिथिल करते हैं, थोड़ी ढीली कर देते हैं। फलम ध्यान दिने दिने पश्यन, और इस प्रकार से ध्यान का ये फल आप प्रत्येक दिन आप देखते रहेंगे कि धीरे धीरे आपकी देहात्म बुद्धि जो है वो शिथिल होती जाती है, आपकी संसारी बुद्धि है, कर्तृत्व बुद्धि है, कर्तृत्व बुद्धि, अहंता ममता, ये जो है वो शिथिल होते जाते हैं। और एक बार ग्रंथि शिथिल हो गई, ढीली हो गई, तो उसको हम छोड़ सकते हैं, फिर ग्रंथि छोड़ना इतने बहुत सरल हो जाता है।
इतना कठिन रहता नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि ध्यान के द्वारा ये ग्रंथि जो हमारे हृदय में पड़ी हुई है उसको हम शिथिल करते रहेंगे। पश्चन अपि न चेत ध्यायेत कहा परह अस्मात् पशुवत, आप देखो। और इसीलिए भारतीय तीर्थ मुनि कटाक्ष करते हैं कि आप स्वयं ब्रह्म स्वरूप, आप स्वयं आत्मा, स्वतसिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा आप है, तो कौन उसका ध्यान नहीं करेगा? और जो नहीं कर रहे हैं वो पशु समान है, आप देखो, आप समझो पशुवत, आप देखो पशुहुवद माने क्या है, इससे अन्य कौन पशु हो सकता है? जो अपने ही स्वरूप के चिंतन में जिसको आनंद नहीं आता है, अपने ही आनंद स्वरूप में चिंतन में आनंद नहीं आता है, अपने ही शांत स्वरूप में जिसको शांति की अनुभूति नहीं होती है, आप देखो, तो उससे अन्य कौन पशु है? आप देखो, आहार निद्रा भय मैथुना पशु भी समान नराणम, आप देखो, ये अर्थ और काम के चक्कर में हम ऐसे पड़े रहते हैं ना, उससे हमारी बुद्धि ऊपर उठती ही नहीं, उसी में पड़े रहते। और इसलिए कहते हैं कि इससे अन्य और कौन पशु हो सकता है? पशु का चिंतन यही होता है, आज मुझे भोजन मिला कि नहीं, मैं आज जीवंत हूं कि नहीं, और कितनी प्रजोत्पत्ति की, अब बस वही है, तो हम भी तो वही कर रहे हैं ना। और इसीलिए कहते हैं अगर हमें करना है तो क्या करना है, देहाभिमानम विद्वस्य ध्यानादात्मानम अद्वयम, अद्वय आत्मा का ध्यान करते करते ये जो देहात्म बुद्धि है उनका विध्वंस, उनका नाश करके, पश्यन् मर्त्यः अमृतः भूत्वा, जो जो अपने आप को मर्त्य मान रहा है वो मनुष्य को अमृत की प्राप्ति हो जाती है, ही अत्र ब्रह्म समश्नुते, और वही वो ब्रह्म समश्नुते अपने ब्रह्म स्वरूप में आनंद में रहता है, अश्नुते माने वो आनंद में, एंजॉयज कहते हैं अंग्रेजी, आप सुन। और इसीलिए कहते हैं कि ये ध्यान के द्वारा ही अपने मर्त्य स्वरूप जो मान के रखा है उनका त्याग हो जाता है, अपना जो अजर अमर स्वरूप है उसी में उनकी स्थिति हो जाती है, और ब्रह्म स्वरूप में ही ब्रह्म समश्नुते, और अपने ब्रह्म स्वरूप में वो आनंद में रहते हैं। ध्यान दीपमिमं सम्यक परामृशति यह नरः, जो मनुष्य इस प्रकरण का सम्यक रूप से सुचारू रूप से परामृशति, अनुसंधान करता है, चिंतन करता है, मुक्त संशयम एव अयम ध्यायति ब्रह्म संततम, सर्व प्रकार के संशय से उनकी मुक्ति हो जाती है और अपने ध्यान के स्वरूप में ही वो चिंतन करता है, ध्यायति संततम, ब्रह्म स्वरूप का ही सतत चिंतन करता रहता है। अब देखो हमें जो करना है वो ब्रह्म चिंतन ही करना है, जागते हुए भी वही ब्रह्म चिंतन है, सोते भी वही ब्रह्म चिंतन है, कर्म करते हुए भी वही ब्रह्म चिंतन है। आप हम आगे देख के गए कि विशेष प्रकार की अवस्था ब्रह्म ज्ञान नहीं है, पश्यन् श्रुण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् जो भी अवस्था है सब अवस्था में वो ब्रह्म स्वरूप ही है, हम हमारे ब्रह्म स्वरूप से कभी भी हम अलग नहीं होते, वही ब्रह्म स्वरूप में हम स्थित रहते हैं। और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से जो ध्यान दीप प्रकरण का अनुसंधान करता रहता है, चिंतन करता रहता है, और उसी प्रकार से वो ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते करते ही वो अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाता है और वही वही रहता है, ध्यायति एव, अब देखो सतत सतत, फिर वो ब्रह्म का चिंतन ही करेंगे क्योंकि जहां देखो तहां राम ही राम है, सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि है, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण है गविहस्त्री, अब देखो उत्तम सात्विक उपाधि है वो भी ब्रह्म है, राजसिक उपाधि गैया जो वो भी ब्रह्म है, तामसिक उपाधि जो चांडाल है वो भी ब्रह्म है, अब देखो सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि है। समलोष्ठाश्म कांचन है, मिट्टी है, पत्थर है, सोना है, सुवर्ण है, सब ब्रह्म मात्र है, आप समझ। और इसीलिए कहते हैं इस प्रकार से आप चिंतन करते करते अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाइए और सतत ये ब्रह्म का ध्यान करते रहो, उठते जागते बैठते भी आप ये ब्रह्म का चिंतन करते रहो। ये हो गया हमारा ध्यान दीप नौवां प्रकरण।
कल से हम दसवां नाटक द्वीप प्रकरण आरंभ करेंगे। बहुत सुंदर छोटा सा प्रकरण है, बहुत सुंदर प्रकरण है, कल से हम वो नया प्रकरण का आरंभ करेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिम महेशाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी सस्य शालिनी देशो यंक्षोभरहितः ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु पूर्णं भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम।